तहसील बदलने से नाराज ग्रामीणों ने किया जिला कलेक्टर से फरियाद, कहा हमारी मांग पूरा न होने पर करेंगे उग्र आंदोलन। मामला धमतरी जिले के अंतिम छोर एवं गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र में बसे ग्राम पंचायत मोंगरा गहन और ग्राम पंचायत कोड़ेगांव बी का है, जो कि वर्तमान में धमतरी तहसील में आता है, जिसे बदलकर कुकरेल तहसील में जोड़ दिया गया, जिसे नाराज दोनों ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि हमारा तहसील को और कहा कि हमारे तहसील को यथावत धमतरी में ही रहने दिया जाए, क्योंकि कुकरेल तहसील से जोड़ने में से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सर्वप्रथम आवागमन का साधन है जो कि एकमात्र बस चलती है, जिसका समय निर्धारित है, अगर समय चूक गया तो कुकरेल नहीं पहुंच सकते। वहीं दूसरी ओर धमतरी आने के लिए सदैव वाहन उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि डुबान क्षेत्र होने के कारण यहाँ गरीब तबके के लोग निवास करते हैं, जो अपनी जीवन कठिनाइयों से गुजार रहे हैं। ऐसे गरीबों को परेशान करना क्या शासन प्रशासन को शोभा देता है, क्योंकि आए दिन ग्रामीणों को तहसील कार्यालय आना पड़ता है, जैसे स्कूली बच्चों के लिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने, किसान अपनी जमीन संबंधित कार्य के लिए आते हैं, जो कुकरेल तहसील आने जाने में काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए ग्रामीण एकजुट होकर ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कार्यालय पहुंचे थे एवं उनका एक ही कहना था कि अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। तहसील करते हुए जिला हमन मन नहीं चाहा था, हमन मन में धमतरी उचित होगा, हमारे हर काम धमतरी में होते, पढ़ाई से लेकर के बैंक के काम सारी काम धमतरी होते, और कुकरेल आ जाए में हमें बहुत ही परेशानी होती। और क्या क्या समस्या आते जैसे धमतरी से कुकरेल करते गए जो तहसील? अब सबसे बड़ी समस्या तो वही यातायात की ही आना जाना की समस्या है। साधन एक तो गाड़ी चलती जी, हाँ मेरा नाम राम निहोनी साद है, मैं कोड़े गांव बीक रहने वाला हूँ। वैसे मैं वैसे जनप्रति सेवाकार आदमी हूँ, कोई बड़े आदमी न हूँ, लेकिन कहीं मतलब मिस्टेकिंग हो जाते ना तो वहाँ आए जाए पड़ते, तो एक भाई मन हमारे सियान हुआ ना यही मन हमन बना, लेकिन ये मन चल गया एक बुजुर्ग भी ले चलथन करके ले आई। तो वास्तविक बात है कि हमार एक ठन समस्या ये है कि हमार जो डुबान क्षेत्र पूर्व से पीढ़ी से जुड़े हुए है, और हमारे यहाँ कहा है कि यहाँ से 60-70 किलोमीटर पैसे पड़ते, बीच में जरूर अभी हमार ये जो ब्लॉक के का ब्लॉक कथे का जी तहसील तहसील ल जोड़े बार कुकरेल में कर दे, तो कुकरेल में हमन मान लिया जाए कुकरेल में रख दे थे, तो कुकरेल आए से हमला वो सुविधा नहीं है जे सुविधा हमारे धमतरी से, काबर वो सुविधा नहीं है। हमन कुकरेल में एक ठन कोई प्रमाण पत्र बना था तो कुकरेले में हमन मान लिया जाए उतर जा था, तो उतरे के बाद हम फिर गाड़ी वेट करा था, कमला धमतरी फिर काम है तो गाड़ी वेट करा था, तो हमारे गाड़ी ला ऐसे देखते देखते न काम हो ही न हमारे धमतरी पहुँच गो, दोनों के बीच में हमारा आदमी हमेशा फंसते रही और हमेशा फंस के वो वहीं वहीं तकलीफ में मुश्किल हो ही। इसलिए हमारा खास ये कहना है कि हमारे धमतरी में जनपद जिला ब्लॉक और ये सारी चीज है, हर ऑफिस है, हमारे समूह के भी लेकर मन आज आनंद से हमारे गांव में गाड़ी आते, अब गाड़ी में आ करके बकायदा काम संपूर्ण करके चल देते, और हमन भी बेखट कर रहे कि हमारे गाई बहनी मन आए हैं तो आराम से 5 बजे तक के मन गाड़ी में बैठ के समय तक पहुंच जाते, ये हमारे सर्व सुविधा है। और वो सुविधा अगर कोई हट जाते ना तो हमला हो सकते भविष्य में अन्य जिला में जुड़ना पड़ जाए ऐसे लगते, काबर हमारे बीच में चुनाव आज है वक्त, काबर ये हलवा जो है ना कांकेर डिस्ट्रिक्ट में जुड़ते बोला भी मतलब एक तहसील बनाए के दर्जा इसने टाइप के चला थे, तो हम अल्लाह यहाँ नहीं जुड़ के ना धमतरी जब हटा दी ना तो हमन वही हम अल्लाह मजबूर हो जुड़ना पड़े। जैसे आप लोग की मांग ला पूरा नहीं किए थे तो आगे आप लोग आंदोलन करेंगे, आप मन बोलो ना हमारे मांग जैसे पूरा नहीं, हाँ हमारे मांग जैसे पूरा नहीं होता है ना तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, दोनों पंचायत मिल करके धरना वगैरह सारी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा हमारा कहना है। क्यों जी भाई हो? हाँ।